दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को आरएसएस के नाम पर हंगामा हुआ। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर नारेबाजी हुई। आपको बता दें, सत्र के दौरान सत्ता पक्ष आरएसएस हाय हाय के नारे लगा रहा था, जब ही बीजेपी विधायक टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता रहा। दरअसल जानकारी के अनुसार सत्ता पक्ष के विधायक ने कहा कि मालवीय नगर के पार्क में आरएसएस के लोग तिरंगा नहीं फहराने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने 52 साल से तिरंगा नहीं बल्कि अपना ही झंडा फहराया है। यही आपको बता दें, इसी बात पर बीजेपी विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। इसी के बाद दोनों पक्षों में खूब नारेबाजी भी हुई। विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को मार्शल आउट किया। इसके बाद महाजन को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित भी कर दिया गया। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।